गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे बोलते हैं? इधर देखो, अच्छा इधर देखो, बोलो गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कपड़े निकाल लिए तूने? और लगाने कपड़े कुछ? तुम वहां रख दिया, उनको सुखा देना। ये कैसे मैडम गोदी पर? क्या बाबू, इसको भी पता नहीं क्या हो गया, आजकल गोदी गोदी कर रही है। अब तो पैदल घूमने भी जाती है तो आधा रास्ते में तो बोलती है मुझे गोदी गोदी लो, घूमती भी नहीं है पैदल, गोदी में घूमना इसे। बड़ी भी क्या हुई यार, ऐसे उसी को रखना था अभी दम में गोदी। 30 मिनट्स पे धुले मैंने ये, ठीक है ना, ज्यादा गंदे तो थे भी नहीं वैसे। मुझे वो एक्सप्रेस मोड पे क्यों वो गोदी बोलती है? ओ शिट, मुझे लगता है आजकल टायरों को गाड़ी में ही ले जाते कई बार इसकी। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल राज एंड किरण ब्लॉग्स में। मेरे पीछे कियारा बैठी हुई है और आप इमेजिन कर सकते हो कियारा क्या देख रही है। आपको भी दिखा दी मैं कियारा क्या देख रही है। वैसे दिखा दिया, कियारा देख रही थी कार्टून। तो आजकल पहले वो लैपटॉप पे देखती थी, तो आजकल कभी कभार वो टीवी पे भी देख लेती। नहीं तो टीवी हम पहले मैं इंडियन सीरियल देखती थी, तो फिर जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो जैसे 20-21 दिन तक मैं बेड पे ही थी, तो फिर ना मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था। तो तब से लेकर अभी तक हमारे घर में टीवी नहीं चलता था। ऑलमोस्ट किया कायरा 5 महीने का, 5वां लगा है ना कायरा को, तो पूरे 4 महीने हो गए थे हमारे घर में टीवी बिल्कुल बंद थी। तो कल पता नहीं क्यों इन्होंने लगाई, ऐसे ही देखा तो इसको अच्छा लगा, तो फिर आज से स्टार्ट होगी टीवी यहाँ पे कायरव। तो कायरव को आप इस तरह से बांधना पड़ता क्योंकि ये पलटता है, तो इसलिए ऐसा बांधना पड़ता जब मैं काम करती हूँ, क्योंकि अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के खा के रेडी हो गई हूँ, तो इसलिए इसको यहाँ पर बांध रखा था, है ना। ऐसे ही बांधा करेंगे तेरे को, फिर जब ये क्रॉलिंग करने लगेगा फिर मैं इसको चुन्नी से बांधा करूंगी। चुन्नी तो मेरे पास है भी नहीं यहाँ। बांधना क्या है इसको? क्यों आप जॉब करोगे तो फिर इधर उधर जाएगा तो बांधूंगी, अकेले कैसे देखूंगी, वो तो खैर बाद की बात है। पर वो मतलब बांधा है ऐसे कि वैसे तो ये बेल्ट इसीलिए होती कि ताकि बच्चे गिरे ना। अरे कायरव की बेल्ट कायरव की कपड़ों से मैच कर रही है। ये मैडम जी कियारा जय कर दो। एक्चुअली जब फोन पे जैसे इसकी दादी या नानी कोई भी बात करते तो ऐसे कहते ना जय कर दो, तो वो देखती कहीं और है और जय कहीं और करती। जय मीन्स नमस्ते जो होता है वो है, लेकिन छोटे से इसको जय कहते थे तो नमस्ते अभी इसको समझ मतलब आता भी है, लेकिन इसको आदत जय की पड़ी हुई है तो हम जय ही बोलते कि जय कर दो, तो इसलिए वो जय ही करती है। बाकी इंडिया में जाएगी सारी चीजें देखेगी तो खुद ब खुद सीख जाएगी, यहाँ पे हमें सिखाना पड़ता है, वहाँ वो खुद ब खुद माहौल को देख के सीख जाएगी। और राज कर रहे हैं अपना लैपटॉप क्लीन। राज कई बार करते हैं, उन्हें लगता है कि अब कियारा नहीं देखेगी लैपटॉप, तो फिर वो सोते कि अब मैं इसे पैक कर दूंगा। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर से कियारा को याद आ जाती है कि नहीं मुझे इसी पे देखना है, फिर से बेचारा लैपटॉप निकल जाता है। और ये
बुक्स हमारे यहाँ घर में अभी कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन कियारा की बुक है ये, जो वो पढ़ती कम है और फाड़ती ज़्यादा है। अब तक अगर फाड़ती नहीं तो है ना डे, पता ना कितना डे लग जाता है ना, है ना बुक्स का। कायरो भी कार्टून देख रहा है, इतना खुश हो रहा है ना उनको देख देख के। कायरो खुश हो गया तो इसमें बैठ के, चल के देखना कंफर्टेबल है तो फिर उस हिसाब से वो देखना। देने वक्त में चिनार, चिनार bak bak ya şimdi oturacak bir şey değil o dikkat beraber de toplanalım. Gel. Bak. Gel. Beraber. Tamam. Kim tarayız? Mat kurasın. Nasıl gülüyor ya? Bu ağlıyor. Gel. Hadi git lan. Büyüdü mü bu da? Büyümüştü. Ama gibi başladı. Maşallah. Bak yukum zor olur ha bu olay. Kaç aylık şimdi? 4 ay. Kilo almıyor mu bunu? 4 ay. 1 ay var değil mi adamın? 1 ay mı? 2 hafta mı? 2 hafta. 2 hafta. Nasıl? Bugün aldı. 5 aylık oldu bu. Bu erken oldu ya, 6'sına doldu. Ondan 25 miydi kaçın size? 23'ünde 23'üne doldu. 4 ay oldu buna. Evet. Yani 5. ay. Tabii आई थी मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड भी आए थे, उसके बच्चे भी आए थे और वो हमारे लिए आलू लेके आए हैं। ये देखिए, वो कह रहे थे कि एक्चुअली यहाँ टर्किश गवर्नमेंट आलू क्या बेच क्या बोलते हैं बांट रही थी, मैं बेच रही थी, बांट रही होगी यहाँ के नागरिकों के लिए। तो फिर वो हमारे लिए भी लिया है, अब उनसे ही लिया होगा उन्होंने हमारे लिए कि अपने हिस्से से दिया। मैंने बोला मैंने कहा तुम दिया। हाँ तो शायद उन्होंने हमारे लिए भी ले लिए थे जो भी है, बट मतलब हमने पूछा कि यहाँ क्यों ले आए, तुम यूज़ कर लेते तो कहते हमारे पास हैं। तो वो चले गए हैं और मतलब थोड़ी देर के लिए आए थे, वैसे तो आए वो बहुत टाइम के लिए थे क्योंकि उनका ये था कि मतलब शाम को ही जाना था उन्होंने, बट उसका जो छोटा बेबी है उसको पता नहीं अचानक से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है क्योंकि सेम ही एज के बच्चे हैं, मेरा भी और उसका भी सेम ही एज का है, तो सारी मेडिसिन मेरे पास भी थी, तो उसको पेन वाली दवाई भी दी, गैस वाली दवाई भी दी, बट उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। इवन फिर मैंने कहा शायद मेरे घरेलू नुस्खों जो इंडिया में हम इंडियन लोग करते ही हैं वो यूज़ किया है मम्मी ने, जैसे जब मैं अभी एक साल पहले अप्रैल में गाँव गई थी तो वहाँ से फिर मैंने इतना छोटा सा देसी घी होता है वो लेके आई थी, तो वो भी मैंने लगाया बट उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर फाइनली वो हार के चली गई, उसे भी मतलब वो भी डर गई कि उससे क्या हो गया, तो कह रही थी कि शायद मैं नहलाऊंगी तो मे बी कुछ रिलीफ मिले उसे। नहला तो वैसे यहाँ भी सकते थे बट वो ये था ना कि फिर बच्चा फिर बाहर कैसे जाता नहला के, इस वजह से फिर वो चली गई थी। और अभी मैं थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी उसे जब वो पहुँच जाएगी कि कैसा है बच्चा, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगने लग गया था, क्योंकि होता है ना जैसे अपने घर में कोई आता है तो फिर थोड़ा सा टेंशन तो होती है, और ख़ास करके बात जब बच्चों की होती है। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम आया था, काफ़ी बार आ गया, आपने वीडियो में देखा ही होगा, बट आज पता नहीं क्या हुआ उसको मे बी, या तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि गर्मी लगी होगी उसे, है ना, क्योंकि गर्मी में आए वो, फिर ऊपर से कपड़े भी इतने सारे पहना रखे थे, है ना, तो शायद गर्मी लगी होगी, तो मे बी अब वो नहलाएगी तो शायद उसे रिलीफ मिलेगा। और कियारा, कियारा ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि
चिनार ने उसके ऊपर जूस डाला था, मुझे नहीं पता उसने मुंह से डाला कि पिया हुआ मुंह का डाला कि वो नहीं देखा हमने। किसने मेरे पे जूस डाल दिया, पूरे कपड़े भी खराब कर दिए। तो इनका ऐसा चलता रहता है। बाकी आज क्या था, उन्होंने मेरे को रोज क्यों दिया? रोज डे पता नहीं, आज शायद कोई दिन था, मुझे भी नहीं पता, मैं देखूंगी क्योंकि उन्होंने टर्किश में बोला, मुझे नहीं समझ आया कौन सा दिन था। मदर्स डे यार, मदर्स डे आज तो एक 9 को है शायद, 6, 7, 8, 9 तीन दिन होता मदर्स डे, मतलब तो पहले दे दिया उसने अभी। तो उसके हस्बैंड ने दिया, एक मेरे को दिया और एक अपनी वाइफ को दिया। तो मेरे लिए ये येलो वाला और अपनी वाइफ के लिए पिंक वाला दिया, तो मुझे पता तो नहीं चला क्या है, मैंने बस थैंक यू थैंक यू बोला। तो मैं क्या, अब मुझे भी नहीं समझ आया क्या, क्योंकि ये थे नहीं वहाँ पे, और मुझे नॉर्मल चीज़ें जो नॉर्मली हम बोलते हैं वो चीज़ें तो समझ आ जाती है, बट कोई अचानक से जब कुछ बोलता है टर्किश में तो वो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि जो चीज़ें कभी कभी सुनने को मिलती है तो उस पर वो चीज़ें मुझे नहीं पता होती है। कायरव हेलो, इधर देखो, बस उंगली खाते रहते, बस अपनी है और कुछ काम है तुझे, है उंगली चबाता रहता है बस। ये कौन है, देख कौन है, देख रहा है कौन है, ये देख रहा है। तुमको क्या हो गया भाई, क्यों बैठे वैसे? ये पता नहीं ऐसे गोद में लेके बैठ मेरे को, सुस्त क्यों रखी, क्या हुआ बाबू, क्या रहा आज, तो खेल भी ली तू चिनार के साथ, पता नहीं अब इसलिए तो नहीं बोल रही, मैं इसके चेयर में बैठी हुई हूँ, हो सकता है नींद भी आ रही है, उसे सुला दे यार। आप अभी नहीं बोल रहे थे कायरा वैसे ऐसे ऐसा था, जैसे परसों वाले वीडियो में नहीं कमेंट आ रहे थे कि डांटते हो, उन्हें शायद ये लगा कि आप डांटते हो, क्योंकि अभी भी अगर सामने वाला सुने तो ये लगे कि डांट रहे हैं इसको। डांट रहा हूँ मैं तुझे, हेलो ओ हीरो, आवाज ही ऐसी आपकी डांटने वाली, गर्मी लग रही है शायद इसको, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। हेलो, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हाफ कपड़े पहनाने चाहिए, वगैरह हमारा हो चुका है। और यार क्यों परेशान कर रहे हो उसे, ये ना ऐसे ही कायरों को परेशान करते रहते हैं। अच्छा भूख लग गई, तो मैं बना रही हूँ कायरव के लिए दूध, उसे कोई भूख नहीं लगी है, ठीक है, वो तो मैं इसलिए बनाती हूँ कि ताकि रात को थोड़ा सा भी पिए, एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हाँ उसका पेट फुल है। झूठ तो आप बोल रहे हो। और तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।